हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन से आप 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले सकते हो। आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जो भी यहाँ से लोन मिलेगा वो कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा और 60 दिन से लेकर 90 दिन के लिए टर्नओवर मिलने वाला है आपको। लेकिन आपका सिविल स्कोर कम होगा तो यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन कम सिविल स्कोर वालों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो। इमरजेंसी में भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। 15 मिनट के अंदर आपका प्रोसेस होगा कंप्लीट और आपका जो भी लोन अप्रूव होगा वो केवल 15 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो ही यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड पर और सैलरी के बेस पर। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, केवाईसी सबमिट करनी पड़ेगी, अपनी जो प्रोफेशनल डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी और यहाँ पर भी सैलरी है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जबरदस्त एप्लीकेशन है और यहाँ पर जो भी लोन अप्रूव होगा वो यहाँ पर देख सकते हो आप, इनकी डिटेल वगैरह, लोन ऑफर के वगैरह। यहाँ पर 50,000 का अगर आपको लोन मिलता है तो यहाँ पर इनकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह और यहाँ पर जो भी इनकी अलग डॉक्यूमेंट चार्ज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको 50,000 का लोन मिलता है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3,250 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। इंश्योरेंस यहाँ पर आपको कटने वाला 700 रुपये का। ऑनलाइन कन्वेंस फीस यहाँ पर कटने वाली 100 रुपये। डॉक्यूमेंट फीस यहाँ पर 300 रुपये। स्टाम्प ड्यूटी फीस यहाँ पर 300 रुपये और GST यहाँ पर 693 रुपये। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना आएगा, 50,000 का 44,457 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर लोन टर्नओवर की बात करें तो 50,000 का टर्नओवर है 70 दिन के लिए आपको यहाँ पर, और टोटल इंटरेस्ट 1,700 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं 50,000 पर। तो यहाँ पर आप इनकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको लोन का जो भी नाम है, जो भी एप्लीकेशन है, वो लास्ट में बता दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा कि मेरे को यहाँ पर लोन मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर कम है। इसलिए फिर भी मैं आपको कुछ प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि भाई किस तरह से हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर काफी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको ऑफर वगैरह या फिर आप लोन लेने के लिए यहाँ पर आए हो तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गोल्ड यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारे को लोन, इंस्टेंट लोन चाहिए, तो यहाँ पर इन 15 मिनट से गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे को कुछ परमिशन वगैरह देनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह की यहाँ पर पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टिक मार करके और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा हमारे मोबाइल नंबर से। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर कुछ देर हमारे को यहाँ पर रुकना है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाता है। लगाने के बाद में यहाँ पर आपको, अगर ऑटोमेटिक फिल्ड नहीं हो तो आप खुद से लगा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात, अगर आपके पास रेफर कोड है कोई तो रेफर कोड यहाँ पर लगा सकते हो। जिसके पास कोई रेफर कोड वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद में यहाँ पर आपको इसको कट कर देना, कैंसिल कर देना। अब इनकी जो डिटेल वगैरह वो यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ से लोन लेते हो तो लोन अमाउंट एलिजिबल 50,000 तक आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1% से लेकर 172% तक आपको लगने वाले, 0.172 तक। लोन टर्नओवर की बात करें ना तो 90 दिन के लिए यहाँ पर लोन मिलने वाला है, मतलब 3 EMI पर यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सैलरी स्लिप चाहिए आपके पास, जो लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ का यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, मतलब ये जो डिटेल है वो सैलरी के बेस पे ही लोन प्रोवाइड करवाता है। KYC डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड हो गया आपके पास, पैन कार्ड हो गया, और यहाँ पर आपका जो एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, गैस बिल हो गया। इनके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है या फिर बैंक स्टेटमेंट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है, पैन कार्ड यहाँ पर एंटर कर देना है, पैन कार्ड नंबर, जो पैन कार्ड पर आपका नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपको जेंडर वगैरह, लोन पर्पज के बारे में यहाँ पर बताना, पर्सनल डिटेल और यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन कंप्लीट करना है। तो मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है तो मैं इसके अंदर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि सैलरी स्लिप अपलोड करने पर ही यहाँ पर आपको लोन मिलने वाला है। तो अगर आपके पास 4 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास 4 मंथ का बैंक स्टेटमेंट तो है लेकिन उसको अपलोड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को लोन नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट के बेस पे यहाँ से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, क्लियर तरीके से आप समझ गए कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं, भाई एप्लीकेशन का नाम वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पर लैंडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन। अगर एप्लीकेशन की डाउनलोड की बात करें तो 5 लाख डाउनलोड है एप्लीकेशन के और 3.2 की रेटिंग है एप्लीकेशन की। तो बिल्कुल जबरदस्त एप्लीकेशन है। इमरजेंसी में लोन की जरूरत है आपको तो इसी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करके और लोन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।